जाति की विशेषता और उत्पत्ति के पश्चात जाति प्रथा के कार्य, भूमिका या महत्व पर चर्चा करेंगे। वर्तमान में जाति प्रथा को एक निरर्थक एवं हानि प्रद संस्था कहना एक फैशन सा बन गया है। विशेषकर समाज सुधारकों, शिक्षितों एवं राजनेताओं में जाति की आलोचना करना एक रिवाज सा हो गया। आज दिनों दिन जाति प्रथा के विरोधी भावों में वृद्धि होती जा रही है। वर्तमान में जाति का स्वरूप विघटित हो रहा है, किंतु प्राचीन काल में जाति ने व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। हट्टन ने जाति द्वारा किए जाने वाले कार्यों को उल्लेख किया है। उसमें से प्रमुख है, पहला, सदस्यों के व्यक्तिगत जीवन में जाति के कार्य या लाभ। इसके तहत जाति व्यक्ति के जीवन पर अमिट प्रभाव डालती है और उसका अन्य लोगों से संबंध निर्धारण करती है। व्यक्ति के लिए जाति सामाजिक स्थिति का निर्धारण करती है। जाति के आधार पर ही व्यक्ति की समाज में स्थिति निर्धारित होती है, जिसे संपत्ति, निर्धनता, सफलता, असफलता और व्यक्तिगत गुण दोष के आधार पर बदला नहीं जा सकता। यह सामाजिक स्थिति तब तक बनी रहती है जब तक कि वह जाति के नियमों का उल्लंघन न करे। दूसरा विशेषता, मानसिक सुरक्षा। जाति प्रत्येक व्यक्ति का पद और कार्य जन्म से ही निश्चित कर देती है। प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि उसे किस समूह में विवाह करना है और किस समूह सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यों में भाग लेना। यह सब पूर्व निर्धारित होने से व्यक्ति को मानसिक संतोष एवं सुरक्षा प्राप्त। तीसरा है व्यवसाय का निर्धारण। प्रत्येक जाति का एक परंपरागत व्यवसाय होता है, इसलिए व्यक्ति के सामने व्यवसाय चुनने की समस्या नहीं होती और न ही व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा पाई जाती, क्योंकि प्रत्येक जाति का व्यवसाय पूर्व से निश्चित होती है। बचपन से व्यक्ति को जाति व्यवसाय का प्रशिक्षण मिलने से वह उसमें दक्ष भी हो जाता है। चौथा महत्व है वैवाहिक समूह का निर्धारण। जाति ही यह तय करती है कि व्यक्ति अपना जीवन साथी किस समूह में चयन करेगा। पांचवा महत्व है सामाजिक सुरक्षा। प्रत्येक जाति की एक जाति पंचायत एवं जाति संगठन होता है। व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का संकट आने पर, बीमारी, बुढ़ापा या दुर्घटना के समय जाति के सदस्य व्यक्ति की सहायता करते हैं। छठवां महत्व है व्यवहारों पर नियंत्रण। प्रत्येक जाति के अपने कुछ नियम एवं प्रतिबंध होते हैं, जिनके द्वारा व्यक्ति के व्यवहारों को नियंत्रित किया जाता है। जाति नियमों का उल्लंघन करने वाले को जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता है। इसके अलावा जाति समुदाय से संबंधित कार्य या लाभ की चर्चा की गई है। धार्मिक भावना की रक्षा, इसमें से पहला है धार्मिक भावना की रक्षा। प्रत्येक जाति के देवी देवता एवं धार्मिक विधि विधान होते हैं, जिनकी जाति के सदस्य प्राणपण से रक्षा करते हैं। सामान्य मान्यता यह है कि यह जाति ही है जो जनता के धार्मिक जीवन से अपने सदस्यों की स्थिति को निश्चित करती है। रक्त की शुद्धता बनाए रखना। एक जाति के व्यक्ति अपनी ही जाति में विवाह करते हैं और इससे रक्त की शुद्धता बनी रहती है और अन्य जातियों में रक्त दोष नहीं आ पाते हैं। तीसरा है सामाजिक स्थिति का निर्धारण। प्रत्येक जाति अपने समुदाय के लिए जाति संस्तरण निश्चित सामाजिक स्थिति को निर्धारित करती है। मजुमदार मदान लिखते हैं कि सामूहिक प्रयत्न और आंदोलन के लिए एक सामान्य संगठन के निर्माण द्वारा स्वयं ही जाति के व्यक्ति के लिए गतिशीलता के अवसर बढ़ती है। इस प्रकार कायस्थ, जो अब उत्तर भारत में ब्राह्मणों के बाद ही समझे जाते हैं, इसके पश्चात है जाति का अगला महत्व, संस्कृति की रक्षा। हट्टन कहते हैं कि प्रत्येक जाति की अपनी एक सामान्य संस्कृति रही है,
जिसके अंतर्गत उस जाति विशेष का ज्ञान, कार्य कुशलता, व्यवहार आदि आते हैं। ये सब जाति में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते रहते। वयस्क अपने नए सदस्यों को ये सब सिखा देती है। इस प्रकार प्रत्येक जाति अपनी संस्कृति की स्थिरता को बनाए रखती है। अन्य महत्व है समाज का विकास और रक्षा में सहायक। जाति व्यवस्था ने हिंदू समाज की रक्षा की है और सदस्यों को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य किया है। फनीवाल के अनुसार जाति प्रथा के कारण भारत में एक बहु समाज स्थिर रह पाया है। यह विशेषता अन्य समाजों में देखने को नहीं मिलता है। जाति व्यवस्था ने समाज को ऐसी व्यवस्था प्रदान की है जिससे कोई भी समुदाय, चाहे वह प्रजाति हो या सामुदायिक, सामाजिक हो, व्यवसायिक हो या धार्मिक, अपनी विशिष्ट प्रकृति और पृथक सत्ता को बनाए रखते अपने को समग्र समाज के एक सहयोगी अंग के रूप में उपयुक्त बना सके। समय समय पर भारत में बाह्य आक्रमणकारी आते रहे, उनसे सारे समाज की रक्षा का कार्य जाति ने किया है और बाह्य समूह समाज के ही अंग बनकर रह गए। जाति प्रथा अपने सर्वोत्कृष्ट रूप में इस विशाल देश में निवास करने वाले विभिन्न विचार, विभिन्न धार्मिक विश्वास, रीति रिवाज और परंपराएं रखने वाले विविध वर्गों को एक सूत्र में पिरोए रखने का सफलतम प्रयास किया है। संपूर्ण समाज या राष्ट्र के लिए इसकी दूसरी महत्वपूर्ण महत्व रहा है राजनीतिक स्थिरता। किसी भी देश में जब बाह्य आक्रमणकारियों का शासन स्थापित होता है तो वह राजनीतिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन लाते हैं। किंतु भारत में इसका भारत अपवाद रहा है। यहाँ समय समय पर कई आक्रमणकारी आए, लेकिन जाति ने इन आक्रमणकारियों से भारत की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक रक्षा की है। अंबेडकर लिखते हैं, मैं हिंदुओं की जाति प्रथा को उनके अधिनियम का सबसे सुखमय प्रयास समझता हूँ। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि यदि भारत की जनता उस समय भी बर्बरता के पंख में नहीं डूबी जबकि सारा यूरोप डूबा हुआ था, और यदि भारत ने सदा अपना सिर ऊंचा रखा, विविध विज्ञानों, कलाओं तथा सभ्यता का संरक्षण और विकास किया, तो इसका पूर्ण श्रेय उसकी उस जाति प्रथा को है जिसके लिए वह बहुत प्रसिद्ध है। जाति की राजनीतिक भूमिका आज भी महत्वपूर्ण। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जो राष्ट्र या समाज के लिए बहुत महत्व रखता है, श्रम बल। जाति व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न जातियों के बीच कार्य विभाजन किया गया। उनमें दक्षता एवं विशेषीकरण पनपा। पुनर्जन्म एवं कर्म की धारणा के कारण जाति के कार्यों की पुष्टि की गई। व्यक्ति यह सोचता है कि पिछले जन्म के आधार पर इस जन्म में जाति एवं व्यवसाय विशेष प्राप्त होगा। यदि इसे ठीक ढंग से किया गया तो अगले जन्म में उच्च जाति मिलेगी। हट्टन लिखते हैं, सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न कार्यों जिनमें शिक्षा से लेकर सफाई, सरकारी से लेकर पारिवारिक कार्य सुचारू रूप से चलते हैं और ये सभी कार्य धार्मिक विश्वास या कर्म की धारणा के आधार पर किए जाते हैं। श्रम विभाजन के परिणाम स्वरूप एक महत्वपूर्ण लाभ यह होता है कि कार्यों में दक्षता आती है और वह व्यक्ति या वह जाति समूह उस कार्य का विशेषज्ञ बन जाता है, जिससे समाज को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलता है। चौथा महत्व है धार्मिक सहिष्णुता एवं उदारता। धर्म के आधार पर विश्व के विभिन्न भागों में समय समय पर अनेक क्रांतियां हुई। भारत में भी अनेक धार्मिक संप्रदायों का प्रचलन रहा है, किंतु सभी संप्रदाय हिंदू जाति व्यवस्था में ही आत्मसात हो गए। इसका प्रमुख कारण जाति व्यवस्था में पाए जाने वाली सहिष्णुता उदारता। उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त जाति ने रक्त की शुद्धता बनाए रखने, शिक्षा प्रदान करने
तथा समाजवादी व्यवस्था को कायम रखने का कार्य भी किया है। इसलिए हट्टन लिखते हैं कि जाति प्रथा ही एक ऐसी सामाजिक प्रथा है जिसका आधार दैवी शक्ति से भी दृढ़ है। जाति के उपरोक्त महत्व की चर्चा के पश्चात जाति प्रथा के कुछ दोष या हानियां भी जिस पे चर्चा कर लेते हैं। जाति व्यवस्था ने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, किंतु समय के साथ इसमें अनेक दोष उत्पन्न हुए। आज अधिकांश लोग जाति के उन्मूलन की बात करने लगे। रिजले का मत है कि जाति एक निम्न स्तर का संगठन है जो विकास के मार्ग में बाधक है। तो जाति प्रथा के प्रमुख हानियां या दोष इस प्रकार है। पहला है श्रमिक की गतिशीलता में बाधक। चूंकि प्रत्येक जाति का एक परंपरागत व्यवसाय होता है और व्यक्ति को जाति के बाहर के व्यवसायों को चुनने की मनाही होती, अतः दूसरे व्यवसायों में दक्ष होने के बाद भी व्यक्ति अपने जाति व्यवसाय को बदल नहीं सकता है। दूसरा, श्रमिक की कुशलता में बाधक। जाति प्रथा में खान पान संबंधी अनेक निषेध है जिनका कुप्रभाव लोगों की शारीरिक एवं मानसिक दक्षता पर पड़ता है। इसके अतिरिक्त जाति अंतर्विवाह के कारण कई बार वंशानुक्रम में अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं, इससे भी लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तीसरा दोष है आर्थिक विकास में बाधक। जाति प्रथा के कारण उद्योगों में श्रम विभाजन उचित रूप से लागू नहीं हो पाता। उच्च जातियों के लोग कारखाने में निम्न कार्य नहीं करना चाहते, वे जाति आधार पर विरोधी गुट बनाते हैं। जातिवाद के कारण योग्य व्यक्ति जो है आगे नहीं बढ़ पाता है और अयोग्य व्यक्ति जो है उच्च पदों पर आसीन हो जाते हैं। चौथा दोष है राष्ट्रीय एकता में बाधक। जाति व्यवस्था के अंतर्गत संपूर्ण समाज छोटे छोटे भागों में बढ़ जाता है। प्रत्येक जाति राष्ट्रीय हितों के स्थान पर जाति हितों को प्राथमिकता देती है। जाति प्रथा ने ही समाज में छुआछूत एवं ऊंच नीच की भावना पैदा की और विभिन्न जातियों के लोगों को परस्पर मिलने नहीं दिया। इस कारण लोगों में राष्ट्रीय एवं हम की भावना का विकास नहीं हो पाया। जातिवाद की भावना राष्ट्रीय एकता के लिए बाधा करी है। प्रजातंत्र विरोधी अगला दोष है इसका। प्रजातंत्र विरोधी जाति प्रजातंत्र विरोधी है। प्रजातंत्र स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व एवं भाईचारे की भावना पर आधारित है, जबकि जाति जन्म से ही ऊंच नीच की भावना पर, समानता समानता की भावना पर जोर देती है। अतः ये दोनों एक दूसरे के विरोधी है। आज लोग जाति के नाम पर वोट मांगते हैं और देते हैं, विभिन्न पदों पर जाति आधार पर नियुक्तियां की जाती है। ये सभी स्थितियां स्वस्थ प्रजातंत्र के विकास के मार्ग में बाधा है। अगला दोष है निम्न जातियों का शोषण। जाति प्रथा के अंतर्गत निम्न जातियों से कठोर श्रम कराया गया और उन्हें गंदे एवं घृणित कार्य सौंपे तथा बदले में बहुत ही कम पारिश्रमिक दिया गया। कई बार तो उच्च जातियों के लोग इनसे बेगारी भी लेते हैं। समाज का विभाजन अगला दोष है इसका। समाज का विभाजन जाति व्यवस्था ने हिंदू समाज को अनेक छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर दिया है और प्रत्येक इकाई अपने हित साधने में तत्पर रहती है। वह सामूहिक हित को ध्यान न देकर के अपने जाति हित को महत्व देती है। अस्पृश्यता जाति व्यवस्था ने हिंदू समाज में अस्पृश्यता को जन्म दिया। कई जातियों को छूने से ही नहीं वरन उनकी परछाई पड़ने मात्र से ही जाति का व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है। अस्पृश्य जातियों को कई सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक अधिकारों से भी वंचित किया गया। प्रगति में बाधक है अगला इसका महत्वपूर्ण दोष है। प्रगति में बाधक जाति प्रथा व्यक्ति एवं समाज की प्रगति में भी बाधक रही है। जाति संबंधी नियमों का उल्लंघन करने पर जाति से बहिष्कृत होने के भय के कारण लोग परंपराओं से चिपके रहते हैं और नवीन आविष्कारों को अपनाने से डरते हैं, अतः वे अपना विकास नहीं कर पाते और संपूर्ण देश अन्य देशों की तुलना में पिछड़ जाता है। यहाँ जाति व्यवस्था ने लोगों को अकर्मण्य एवं भाग्यवादी बनाने में भी योग दिया है। जाति व्यवस्था के उपयुक्त दोषों को देखकर ही कई व्यक्ति इसे समूल नष्ट करने की बात करते हैं, किंतु जाति व्यवस्था
अनेक दृष्टियों से लाभदायक संस्था रही है। इसलिए इसे नष्ट करने के बजाय इसमें सुधार किया जाना चाहिए। मजुमदार मदान लिखते हैं कि इस व्यवस्था के हानिकारक सहवर्ती प्रथाओं, अस्पृश्यता, एक जाति का दूसरी जाति के द्वारा शोषण और ऐसी अन्य को समाप्त कर देना चाहिए, ना कि संपूर्ण व्यवस्था। टूटी हुई विषैली उंगली को काटना चाहिए, ना कि पूरे हाथ को। भारतीय जाति व्यवस्था प्राचीन काल से प्रचलित रही है और यह समाज का स्तरीकरण का प्रमुख आधार भी रहा है और जाति व्यवस्था के नियम बहुत ही सख्त या रूढ़ तरीके के होते हैं। परंतु जाति व्यवस्था कोई स्थिर या रूढ़ व्यवस्था नहीं है, इस समय के साथ इसमें भी परिवर्तन आए हैं। बहुत सारे ऐसे कारक है जिसने जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसमें प्रमुख है पाश्चात्य शिक्षा एवं सभ्यता। अंग्रेजों के आने के पश्चात से भारत में पश्चिमी सभ्यता एवं संस्कृति का भी आगमन हुआ और पश्चिमी सभ्यता संस्कृति ने लोगों के विचारों में बदलाव लाया। इसके अलावा औद्योगिकरण एवं नगरीकरण, औद्योगिकरण के कारण भारत में बड़े बड़े कारखाने स्थापित हुए और उद्योगों में काम करने के लिए लोगों के इकट्ठा होने के कारण से नगरों का विकास हुआ। वहां पर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार को कार्य को संपादित करते हैं, वहां भेद कारखानों में भेदभाव नहीं किया जाता कि अमुक व्यक्ति अमुक जाति का होने के कारण से वह ये कार्य नहीं करेगा या निम्न कार्य नहीं करेगा। इसके कारण से भी जाति भेदभाव कम हुआ। धन का बढ़ता महत्व अगला प्रमुख कारक है। वर्तमान समय में जन्म के स्थान पर व्यक्तियों, व्यक्तिगत गुणों एवं धन का महत्व बढ़ा है। व्यक्ति का मूल्यांकन अब जाति के आधार पर नहीं होता बल्कि उनकी संपत्ति एवं गुणों के आधार पर। स्वतंत्रता आंदोलन ने अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन ने देश के सभी नागरिक सहयोग के सारे जातिगत भेदभाव, धार्मिक भेदभाव को भूलकर एक साथ आंदोलन में सहयोग किया। प्रजातंत्र की स्थापना, स्वतंत्रता के पश्चात प्रजातंत्र की स्थापना हुई या हमारा संविधान का निर्माण हुआ। संविधान में किसी भी प्रकार के भेदभाव को निषिद्ध किया गया है। धार्मिक आंदोलन जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन इत्यादि आंदोलनों ने छुआछूत एवं ऊंच नीच की भेदभाव को समाप्त करने में योग दिया। अगला कारक है यातायात एवं संचार साधनों में उन्नति। यातायात एवं संचार के नवीन साधनों के कारण लोगों में गतिशीलता बढ़ी। विभिन्न प्रांतों, धर्मों, जातियों के लोग रेल, बस, वायुयान में सहयात्री बनकर यात्रा करते, उनमें संपर्क बढ़ा, समानता के भाव पनपे, छुआछूत कम हुई और खान पान नियमों में शिथिलता आई। स्त्री शिक्षा का प्रसार, स्वतंत्रता के पश्चात स्त्रियों की शिक्षा के लिए विशेष जोर दिया गया। स्त्रियों के शिक्षित होने के कारण से जाति बंधन धीरे धीरे शिथिल होते गए। अब स्त्रियां जो है जाति के वैसे नियमों को अवहेलना करती है जो स्त्रियों के मान सम्मान के विरुद्ध है। संयुक्त परिवारों का विघटन अगला महत्वपूर्ण कारक है। संयुक्त परिवारों के विघटन के कारण से, क्योंकि संयुक्त परिवार ही जाति व्यवस्था को बनाए रखने में अहम योगदान देता है, जब संयुक्त परिवार ही विघटित होने लगे तो धीरे धीरे जाति व्यवस्था भी शिथिल होने लगी। जाति पंचायतों का हास, जाति पंचायतों को दृढ़ता प्रदान करने में जाति प्रथा को दृढ़ता प्रदान करने में जाति पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जाति नियमों का उल्लंघन करने वालों को जाति पंचायतें दंड देती थी, उनके डर से लोग जाति नियमों को पालन करते। किंतु जब जाति पंचायतें समाप्त हुई और उनके स्थान पर नवीन अदालतें स्थापित हुई तो जाति प्रथा भी कमजोर हुई। नवीन कानूनों का प्रभाव अगला महत्वपूर्ण कारक है। नवीन कानून, ब्रिटिश काल से ही कई ऐसे कानून बने जो जाति प्रथा के विरुद्ध थे। हिंदू विवाह वैधकरण अधिनियम 1949, विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 आदि ने विभिन्न धर्मों एवं जाति के लोगों को आपस में विवाह को मान्यता प्रदान कर दिया, जिससे जाति व्यवस्था शिथिल होने लगी।
अब इसके पश्चात जाति व्यवस्था को परिवर्तन लाने में बहुत सारे कारकों को हमने देखा। इसके पश्चात हम देखते हैं कि जाति व्यवस्था में आधुनिक परिवर्तन क्या-क्या हो रहा है या क्या-क्या परिवर्तन आया है जाति व्यवस्था में। उपयुक्त कारकों के कारण से क्या परिवर्तन आया, जाति की संरचना में क्या परिवर्तन आया, जाति के कार्यों में क्या परिवर्तन आया, जाति का वर्तमान स्वरूप कैसा है, या नवीन प्रवृत्तियों क्या नवीन प्रवृत्तियां जातियों में उदय हुई है। तो पहला है इसमें ब्राह्मणों की स्थिति में गिरावट। जाति प्रथा के अंतर्गत सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में ब्राह्मणों का एकाधिकार एवं प्रभुत्व रहा है, किंतु वर्तमान में व्यक्तिगत गुणों एवं धन का महत्व बढ़ जाने के कारण निम्न जातियों के व्यक्ति भी शिक्षा ग्रहण कर, धन संचय कर एवं चुनाव में विजय प्राप्त कर अपनी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति को ऊंचा उठाने में सफल हुए। दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलता है जाति संस्तरण में परिवर्तन। जाति प्रथा में विभिन्न जातियों का एक संस्तरण पाया जाता है। प्रत्येक जाति यह जानती है कि कौन कौन सी जातियां उससे ऊंची या नीची है। सभी जातियां इस संस्तरण को स्वीकार करती हैं, किंतु वर्तमान में इस संस्तरण में परिवर्तन आया है और निम्न जातियां अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति में सुधार करके जाति संस्तरण में ऊंचा उठने का प्रयास कर रही है। तीसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन है पेशे के चुनाव में स्वतंत्रता। परंपरागत जाति व्यवस्था में प्रत्येक जाति का एक निश्चित व्यवसाय होता था जिसे बदला नहीं जा सकता था, किंतु अब व्यक्ति अपनी क्षमता एवं योग्यता के अनुसार व्यवसाय चुनने लगा है। आज हमें शर्मा सूट सेंटर, अग्रवाल पान भंडार, वर्मा टेलरिंग हाउस देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान में कई नए व्यवसाय जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, डॉक्टरी इंजीनियरिंग, वकालत एवं सरकार के विभिन्न भागों में सेवा कार्य आदि खुले हैं, जिनमें सभी जातियों के व्यक्ति कार्य करते हैं। कृषि कार्य में अनेक जातियां लगी हुई हैं। इस प्रकार आज एक जाति अनेक व्यवसाय तथा एक व्यवसाय में अनेक जातियां लगी हुई। चौथा महत्वपूर्ण परिवर्तन है भोजन संबंधी प्रतिबंधों में परिवर्तन। परंपरागत जाति प्रथा में खान पान संबंधी अनेक निषेध थे। शाकाहारी, मांसाहारी, कच्चे पक्के भोजन के बारे में पवित्रता एवं अपवित्रता की धारणा प्रचलित थी, किंतु अब ब्राह्मण भी मांसाहारी भोजन करते हैं। कच्चे एवं पक्के भोजन का भेद समाप्त हुआ है। होटल, रेस्तरां एवं क्लब में सभी जातियों के व्यक्ति साथ साथ खाने पीने लगे। अब उच्च जातियां निम्न जातियों के यहाँ भोजन एवं पानी ग्रहण करने लगे। अगला महत्वपूर्ण परिवर्तन है जन्म के महत्व में कमी। जाति व्यवस्था में जन्म का अधिक महत्व था। ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति इसलिए श्रेष्ठ समझा जाता था कि उसने ऊंची जाति में जन्म लिया, किंतु वर्तमान में जन्म के बजाय व्यक्ति के कर्म एवं गुणों को महत्व बढ़ा है। आज योग्य, कुशल एवं साहसी व्यक्ति को ही श्रेष्ठ माना जाता है, चाहे वह निम्न जाति का ही क्यों ना। विवाह संबंधी प्रतिबंधों में परिवर्तन। अगला महत्वपूर्ण परिवर्तन है जाति व्यवस्था का मूल आधार जाति अंतर विवाह है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जाति में ही विवाह करना होता था। यही नहीं, जाति प्रथा ने बाल विवाह, कुलीन विवाह, विधवा विवाह निषेधों को जन्म दिया, किंतु वर्तमान में जाति के विवाह संबंधी नियंत्रण शिथिल हुए। अब अंतर जाति विवाह, विलंब विवाह एवं विधवा पुनर्विवाह होने लगे। अगला महत्वपूर्ण परिवर्तन है अदृश्य जातियों के अधिकारों में वृद्धि, सॉरी अस्पृश्य जातियों के अधिकारों में वृद्धि। परंपरागत जाति व्यवस्था में शूद्र एवं अस्पृश्य जातियों को अनेक सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकारों से वंचित किया गया था, किंतु समाज सुधार को एवं सरकारी प्रयासों के कारण आज उन्हें उच्च जातियों के समकक्ष ही सभी सुविधाएं प्राप्त हो रही है। अब अस्पृश्य शब्द को ही संविधान द्वारा समाप्त कर दिया गया। अगला महत्वपूर्ण परिवर्तन है जाति समितियों का निर्माण। विभिन्न जातियों ने वर्तमान में प्रांतीय एवं राष्ट्रीय स्तर के संगठन बनाए, उनके जाति हितों की रक्षा करते हैं।
ये जाति समितियां जाति को सामाजिक एवं राजनीतिक गतिशीलता तथा शांति प्रदान शक्ति प्रदान करने एवं आर्थिक लाभ पहुंचाने का कार्य। इस प्रकार से देखते हैं कि जाति व्यवस्था में बहुत कुछ परिवर्तन हमको देखने को मिलता है, मगर यह परिवर्तन पूर्णतः जाति व्यवस्था को परिवर्तित नहीं करती है। यह परिवर्तन जाति व्यवस्था के ऐसे भागों में ऐसे अंशों में परिवर्तन हुआ है जो वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिक नहीं रह गए हैं। फिर भी जाति व्यवस्था आज भी भारतीय समाज में कायम है, प्रचलित है। जाति व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों में नवीन शक्तियों के संघात के कारण कई बार यह प्रश्न किया जाता है कि क्या भविष्य में भारत में जातियां समाप्त हो जाए, यदि नहीं तो उनके भविष्य का स्वरूप क्या हो अथवा क्या होना चाहिए। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई, जाति रंग एवं लिंग पर आधारित भेदभाव एवं अस्पृश्यता को कानून द्वारा समाप्त किया गया, प्रजातंत्र की स्थापना की। फिर भी भारतीय समाज की जड़ों में जाति व्यवस्था रची बसी है, जिसके कारण से जाति का राजनीतिकरण हुआ और राजनीति में राजनीतिक क्षेत्र में जाति जो है अपना जड़ जमाने लगी है। आज भी लोग अपने जाति समूह को प्राथमिकता देते, अपने जाति हित को महत्वपूर्ण देते हैं। श्रीनिवास ने कहा है कि जहां एक ओर अंग्रेजी शासन काल में होने वाले परिवर्तनों ने जाति प्रथा के बंधन को ढीले की, वहां उन्होंने जाति प्रथा को प्रोत्साहन भी दिया। अछूतोद्धार आंदोलन ने जाति की जड़ों को मजबूत करने में योग्यता दिया, जाति संगठन सहयोग दिए, जाति संगठनों के निर्माण ने भी जाति को सुदृढ़ बनाया है। इस तरीके से अभी निकट भविष्य में जाति की समाप्ति संशय युक्त है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।